लॉकडाउन के कारण तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग काफी वक्त से बंद थी। फैंस शो को काफी मिस कर रहे थे, लेकिन शो के फैंस के लिए गुड न्यूज है। शो की शूटिंग फिर से शुरू होने वाली है। राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देशों के बाद मुंबई में अब शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से टीवी शोज की शूटिंग बंद थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई। अब धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नियमों के मुताबिक 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल की उम्र से ज्यादा बड़े लोगों को सेट पर अनुमति नहीं होगी। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कोविड-19 से जुड़े हालात सामान्य नहीं हो जाते। इससे उन टीवी शोज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जिनकी स्टोरी लाइन ही बच्चों पर आधारित थी। शो के मेकर्स को अपनी स्टोरी लाइन में बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर इस नए नियम का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शो में ना तो कोई बच्चा है और ना ही कोई बूढ़ा। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शो में बूढ़े चंपक चाचा तो हैं, फिर वो कैसे शूटिंग करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 65 साल की उम्र वाला रूल आने के बाद भी शो के चाचा जी यानी जेठालाल के बूढ़े बापूजी चंपकलाल शो में नजर आएंगे। चौकिए मत, ऐसा इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि शो में भले ही अमित भट्ट बुजुर्ग इंसान के किरदार में हो, लेकिन असल जिंदगी में वो सिर्फ अभी 47 साल के ही हैं। अमित भट्ट शो में जेठालाल के बापूजी का किरदार निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो उम्र में जेठालाल का किरदार निभा रहे दिलीप जोशी से भी छोटे हैं। बता दें कि दिलीप जोशी ही 52 साल के हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।